अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो विथ मी ज़ारनक सिद्बा ऑन मसाला टीवी। आज के इस एपिसोड में हायर का हॉप यूज़ करते हुए हम बहुत ही मज़ेदार सी एक जिंजर चिकन कढ़ाई बनाएंगे और चॉकलेट मूस स्लाइस बनाएंगे यूजिंग हायर्स बिल्ट इन अवन। चॉकलेट मूस स्लाइस क्या होता है? मूस तो आपने खाया है, चॉकलेट स्लाइस मीन्स अ चॉकलेट केक। एक डिश में नीचे हम पहले पूरा चॉकलेट केक बेक करेंगे, फिर उसको अच्छा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर मूस बना के स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप काटेंगे और ये सेट हो जाएगा तो नीचे केक और ऊपर चॉकलेट मूस की एक स्लाइस होगी। सो साउंड्स डिलिशियस, सो जल्दी से बनाना शुरू कर देते हैं। मेरे पास यहाँ है 1.5 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर 1/4 कप है, 1 पूरा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है और मेरे पास यहाँ ब्राउन शुगर है 1/2 कप। हर चीज़ मिक्स करके आपको बेक करने के लिए रख देना है। सो पहले हम मक्खन ले लेते हैं। अंडे इस केक में नहीं है, ठीक है, अंडे जो हैं वो मूस में जाएंगे और मूस हम अंडों वाला बनाएंगे विथ चॉकलेट एंड क्रीम। सबसे पहले मक्खन को बीट करते हैं। उसमें डालते हैं ब्राउन शुगर। फिर इसमें जाएगा कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर। अब यहाँ थोड़ा सा क्रम्बली है, सो आई एड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क ताकि ज़रा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का हमारा केक का बैटर बन जाए और अच्छी तरह मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर सब कुछ यकजान हो जाए। से अबाउट 2 चम्मच आपने दूध शामिल कर दिया, ठीक है। अब अच्छी तरह हर चीज़ मिक्स हो गई, अब हम इसको रख देते हैं हायर के बिल्ट इन अवन में बेक होने के लिए। यहाँ डिश है, पतला केक का बैटर नीचे हमें चाहिए, सो पतला केक का बैटर चाहिए तो मैंने एक बड़ा डिश लिया हुआ है, फैला हुआ डिश, जिसमें जब ये केक बेक हो जाएगा और निकलेगा तो इतना थिक होना चाहिए कि राइज हो। अगर आपने बहुत छोटा डिश लिया तो बहुत ही थिक केक का लेयर बनेगा। आप सब पतला केक का लेयर नीचे रखने के लिए एक फैला हुआ डिश और ऐसे करके आप बैटर को फैला दीजिए। अब इसको हम रख देते हैं हायर के बिल्ट इन अवन में टू बेक। हमेशा मैं जब भी बेकिंग करती हूँ 180 डिग्रीज सेंटीग्रेड पे करती हूँ और यहाँ मैंने आज सिर्फ नीचे का फंक्शन ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह यूज़ करिएगा हायर के बिल्ट इन अवन को। ये जो कांच है इतना क्लियर है, बिल्कुल आराम से आपको नज़र आता है सब कुछ। ये कांच को आप निकाल के अच्छी तरह साफ़ भी कर सकते हैं। डिफरेंट फीचर्स इन्होंने दिए हुए हैं यहाँ, जैसे कि ग्रिल है, ऊपर का है, नीचे का है, नीचे ऊपर का है, फ़ैन है, फ़ैन के साथ नीचे ऊपर दोनों है, इस तरह। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस बिल्ट इन अवन एंड ट्राई एंड मेक दिस रेसिपी एज वेल एट होम।
सो चॉकलेट मूस स्लाइस के लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया था, 1 टीस्पून उसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला था, 1/2 कप ब्राउन शुगर थी, 1/4 कप मैंने कोको पाउडर और 200 ग्राम मक्खन। हर चीज़ मिक्स कर दीजिएगा, 1 से 2 चम्मच भर के मैंने दूध डाला था और उसको फैला के बेक कर दीजिएगा। जब ये हायर के बिल्टन ओवन में से बेक होकर निकलेगा, जाली पर ठंडा करिएगा। और यहाँ मेरे पास 2 अदद अंडे हैं जो मैंने सेपरेट किए हैं, सफ़ेदियाँ यहाँ हैं, जर्दियाँ यहाँ हैं, 3/4 कप क्रीम है और 300 ग्राम मेरे पास डार्क कुकिंग चॉकलेट है। अब हमें क्या करना है कि हमें चॉकलेट को पिघला के उसमें अंडे की जर्दियाँ डाल के क्रीम डाल के एक तरफ रख लेना है और सफ़ेदियों को खूब अच्छी तरह हम बीट करेंगे और फिर हम इसका मूस बना के रेडी रखेंगे। जब वो केक ठंडा हो जाएगा तब ये मूस को पूरा ऊपर फैला देंगे और फ्रिज में रख देंगे, हायर के रेफ्रिजरेटर में, या फिर यहाँ मेरे पास फ्रीज़र है, दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर पार्ट और यहाँ है फ्रीज़र। बहुत अच्छा है, डीप है, स्पेशियस है, इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से आएंगे, मूस बनाएंगे आपके सामने, बहुत ही आसान सा, झटपट सा, एंड देन द लवली डिलिशियस जिंजर चिकन कढ़ाई। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग Hire presents Smart Cooking Show on Masala TV. जी वेलकम बैक। अब 300 ग्राम हमने डार्क कुकिंग चॉकलेट ली, उसमें हमने 3/4 कप क्रीम डाली और हल्की आंच पे हायर के हॉब पे उसको आपने पकाना है, ठीक है। फिर जैसे ही ये क्रीम और चॉकलेट यकजान हो जाएगी, 2 अदद जर्दियाँ हम डालेंगे इसमें और ये आपका मूस झटपट रेडी हो जाएगा। सोचें कितना आसान है ये। हायर के बिल्टन ओवन में इसका बेस, जो चॉकलेट का पतला सा केक हम बना रहे हैं, वो भी हो रहा है। जब ये ठंडा हो जाएगा गनाश चॉकलेट का और क्रीम का, तब मैं इसमें ये 2 अदद अंडे की जर्दियाँ डाल दूँगी और जो सफ़ेदियाँ हैं उनको बहुत अच्छी तरह आपने बीट करना है। चॉकलेट को अगर अच्छी तरह एकदम बारीक चॉप कर देंगे तो बहुत जल्दी ये पिघल जाएगी और गनाश आपका रेडी हो जाएगा। इस गनाश को आप ठंडा करिएगा, फिर इसमें आप डालिएगा जर्दियाँ, ठीक है, पहले नहीं डाल दीजिएगा, गरम गरम में डालेंगे स्क्रैम्बल हो जाएंगे। चलिए दैट्स इट, बस अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा करते हैं। ओके जी, तो अब मैं इसको ना यहाँ जाली पे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जर्दियाँ हम इसमें डाल देंगे और सफ़ेदियों को फोल्ड कर देंगे, दैट्स इट। ओके, अब हम चिकन की रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसमें तेल शामिल करेंगे पैन में और उसमें हम चिकन और अदरक लहसुन डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। चिकन में से मैं एक्स्ट्रा पानी वगैरह निकाल दूं, अदरक लहसुन का पेस्ट, और चिकन। अब खूब अच्छी तरह आप चिकन को अदरक लहसुन के साथ, तेल के साथ इस तरह सॉटे करिए और कलर चेंज होने के लिए रखिए। ठीक है, अच्छी तरह चिकन को टर्न करिए ताकि हर तरफ से ये कलर इसका चेंज हो जाए। फिर इसमें आप नमक डालिए, साबुत गरम मसाला मिक्स्ड वो डाल दीजिए और यहाँ मेरे पास है धनिया कुटा हुआ, ठीक है, कोरिएंडर सीड्स कुटे हुए क्रश्ड, ये जाएगा, ज़ीरा है साबुत, साबुत ज़ीरा जाएगा, राई दाना है, थोड़ा सा राई दाना डालिए। सो वेरी नाइस एंड अ डिफरेंट रेसिपी। कुटी हुई लाल मिर्चें,
और ये है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, जस्ट फॉर द कलर। ओके, अब इस स्टेज पे आप थोड़ा सा तेल, मुझे कम इसमें लग रहा है, सो अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल विल गो इन बिटवीन, और यहाँ हम इसमें ये प्याज शामिल कर देते हैं। और टमाटो पेस्ट, ठीक है। अब आप इसको छोड़ दीजिए ढक्कन ढाक के, आराम से ये होता रहेगा। मीनवाइल यहाँ ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, इसमें ये दो अदद जर्दियाँ चली जाएंगी, और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। चॉकलेट क्रीम और अंडे की जर्दियाँ थी, ये जो अच्छी तरह मिक्स किया हुआ है, हमने बीट किया हुआ है वाइट्स, ये आप अंदर फोल्ड कर दीजिए। ठीक है, हल्के हाथ से कर दीजिएगा ताकि इसमें अंदर एयर रहे। और देखें, ये सफ़ेदी भी डाल दी हमने। अगर आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ करना चाहें, आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस चॉकलेट मूस इज़ रेडी, अंडे वाला चॉकलेट मूस है ये। ये जाएगा उसके ऊपर जब हम केक को निकालेंगे हायर के बिल्ट इन अवन में से। अच्छा जी, जब तक मैं इसको ज़रा सॉटे करती हूँ, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है। प्याज के साथ चिकन को अच्छी तरह अब आप सॉटे करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। सो टेक अ क्विक ब्रेक, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, लुक एट दिस डिलिशियस जिंजर चिकन कढ़ाई। ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला था। अब इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर, यानी ड्राई मैंगो पाउडर, थोड़ी सी हरी मिर्चें चॉप की हुई, थोड़ी इस तरह कटी हुई, और काफ़ी सारा अदरक, और थोड़ा सा धनिया। अच्छा, जो मैंने चॉकलेट मूस बनाया था, ये तो बिल्कुल ठंडा हो चुका है, लेकिन जो केक बनाया था हमने हायर के बिल्ट इन ओवन में, देखें इस तरह का। हालांकि मैंने इसमें इसको बहुत पतला रखा था लेयर, अब इसके ऊपर आपने इस ये चॉकलेट मूस डाल देना है। ठीक है, अब जब ये सेट होगा तो आप इसके स्लाइसेस काट के देख सकेंगे। अच्छी तरह इसको स्प्रेड कर दीजिए। केक शुड बी फुली डन, हाँ, केक कच्चा नहीं हो। चल, ये हो गया। और अब हम चलते हैं रेसिपीज के रीकैप की तरफ, तो देखते रहिए हमारा शो। चॉकलेट मूस स्लाइस, अच्छा, मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर 1/4 चम्मच, ब्राउन शुगर 1/2 कप, पिघला मक्खन 200 ग्राम, कोको पाउडर 1/4 कप, मूस के लिए अच्छा डार्क चॉकलेट 300 ग्राम, अंडे 2 अदद, पिटी क्रीम 3/4 कप, डार्क चॉकलेट सर्विंग के लिए, क्रीम सर्विंग के लिए। तरकीब, बेस बनाने के लिए मैदा, चीनी, मक्खन और कोको पाउडर मिक्स कर लें। अब इसे पैन में बिछाएं और 180 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म ओवन में 25 मिनट बेक कर लें। मूस के लिए अंडे की जर्दी को पिघली चॉकलेट में मिक्स करें और क्रीम में फोल्ड कर लें। अब इसमें अंडे की सफेदी फेंट के मिक्स करें, आखिर में इसे बेस पे डाल दें। आखिर में इसे 6 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखें और स्क्वायर में काट के सर्व कर दें। जिंजर चिकन कढ़ाई,
अजसा चिकन एक किलो, अदरक का पेस्ट दो खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट एक चाय का चमच, कटी बड़ी प्याज एक अदद, पानी एक चौथाई कप, तेल तीन खाने के चमचे, टमाटर का पेस्ट एक खाने का चमच, कश्मीरी लाल मिर्च एक चाय का चमच, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चमच, अमचूर या खटाई पाउडर एक खाने का चमच, जीरा एक खाने का चमच, धनिया एक खाने का चमच, राई एक चाय का चमच, दालचीनी एक टुकड़ा, काली मिर्च 4 से 6 अदद, लौंग 4 से 6 अदद, तेज पत्ते 2 से 3 अदद, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया मुट्ठी भर, कटी हरी मिर्च 4 से 6 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा। तरकीब, एक किलो चिकन में 2 खाने के चमचे अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चमच लहसुन का पेस्ट लगाकर अच्छी तरह मिलाएं और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक पैन में तेल गरम करके मैरिनेशन के साथ चिकन शामिल करके सौते करें, फिर इसमें 1 अदद कटी बड़ी प्याज शामिल करके 4 से 5 मिनट पकाएं। अब इसमें 1 चाय का चमच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चाय का चमच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चमच अमचूर या खटाई पाउडर, 1 खाने का चमच जीरा, 1 खाने का चमच धनिया, 1 चाय का चमच राई, 1 टुकड़ा दालचीनी, 4 से 6 अदद काली मिर्च, 4 से 6 अदद लौंग, 2 से 3 अदद तेज पत्ते, हसबे जायका नमक और 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करके 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब इसमें 1 खाने का चमच टमाटर का पेस्ट शामिल करके अच्छी तरह मिलाएं, फिर इसमें पानी और ऊपर से मुट्ठी भर हरा धनिया और 1 इंच का टुकड़ा अदरक छिड़क कर बची हुई 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर लें। जी तो रीकैप से वापस आ गए हैं। आई होप आपने दोनों रेसिपीज़ नोट की होंगी। जिंजर चिकन कढ़ाई है और ये बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है, चॉकलेट मूस स्लाइस। आई होप आप बनाएंगे ज़रूर, ठीक है, यूजिंग हायर अप्लायंसेस। और मैं आपको बताती चलूँ, जो LED आपको पीछे नज़र आ रहा है 4K स्मार्ट है, रियल एंड्रॉयड LED है विद गूगल सर्टिफिकेशन, फुल 4K रेजोल्यूशन है, फुल मेटल फ्रेम है, बिल्ट इन 30W स्पीकर साउंड बार है, गूगल असिस्टेंट एंड क्रोम कास्ट भी है, ब्लूटूथ इसका रिमोट भी है। सो आई होप आप घर लाएंगे, ये सारे अप्लायंसेज यूज़ करेंगे और इसी तरह हमारा शो भी देखेंगे। पीर से जुमा हमारा ये शो है 4:30 बजे शाम को, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जी, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला TV। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।